बिग बॉस फेम प्रियांक शर्मा पर अनजान शख्स ने किया हमला। एक्टर ने बताया अनुभव, बोले बहुत डर गया था मैं। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 फेम प्रियांक शर्मा पर अनजान शख्स ने हमला किया, जिसके बाद एक्टर काफी डरे हुए थे और एक्टर ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। प्रियांक शर्मा पर यह हमला गाजियाबाद के एक अस्पताल के परिसर में हुआ, जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ गए थे। घटना की जानकारी उन्होंने एक मीडिया हाउस को दी है और ये बताया है कि जिस आदमी ने उन पर हमला किया वो उसे पहचानते तक नहीं और अचानक से हुए इस हमले की वजह से वो डरे हुए हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोई शख्स उन पर हमला क्यों करना चाहता है। अस्पताल के लोगों ने उन्हें बचाया, उन्हें मामूली चोटें आई थी। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि प्रियांक शर्मा बिग बॉस 11 का हिस्सा रह चुके हैं, वो रूडीज और स्प्लिट्स विला जैसे रियलिटी शो में भी नजर आ चुके हैं। म्यूजिक वीडियो में वो बादशाह के साथ नजर आए थे और वो अल्ट बालाजी की वेब सीरीज पंच बीट में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रियांक शर्मा का नाम कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा हुआ है। प्रियांक शर्मा और दिव्या अग्रवाल रिलेशनशिप में थे। प्रियांक जब बिग बॉस के घर में मौजूद थे तब दिव्या की फैमिली टास्क के दौरान उनसे मिलने आई थी। बाद में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद प्रियांक शर्मा बिग बॉस कंटेस्टेंट बिनाफशा सुनावाला के साथ रिलेशनशिप और ब्रेकअप की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहे। फिलहाल प्रियांक शर्मा एक अनजान शख्स द्वारा किए गए हमले को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।